हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, ये ब्लॉग है बुधवार का। टाइम हुआ होगा 11:30 ऐसे कुछ टाइम हुआ था, और मैंने नहा लिया है और आज किया है मैंने हेड वॉश। और आज मैंने घर हाथ से ही कपड़े धोए हैं, आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर अगले दिन ना थर्सडे हो जाएगा तो उस थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो चलिए, पहले सबसे पहले मैं कपड़ों को सुखा लेती हूँ, और मॉर्निंग का जितना भी काम था वो मेरा ख़त्म हो चुका था। और कपड़ों को ना ड्राई भी नहीं किया था मैंने, तो थोड़ा सा ना हाथ से जब कपड़े धोते हैं और ड्राई नहीं करते तो थोड़ा उसे टाइम लगता है सूखने में। मैंने सोचा सूख ही जाएगा क्योंकि गर्मी भी इतनी हो रही थी, लेकिन मौसम ना बीच बीच में ऐसा हो रहा था क्योंकि आज तीज वाला दिन था, तो तीज वाले दिन तो ज़रूर बारिश होती है, और 2-3 बार ना बारिश होके बंद भी हो चुकी है। मतलब थोड़ी सी बारिश हो रही है, 5 मिनट बारिश हो रही है, फिर बंद हो जा रही है, फिर धूप निकल रही है, ऐसा ही पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया था। तो चलिए फटाफट से सुखा लेती हूँ कपड़े, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या मुझे करना है। बालों को मैंने झाड़ लिया था और अभी ना गीले ही हैं बाल, तो मैं ऐसे ही थोड़ा क्लेचर लगा लूँगी क्योंकि थोड़ा सा ड्राई जब हो जाएंगे ना तो ऊपर करूँगी। वैसे तो गर्मी में ना बाल खुले रखे ही नहीं जाते हैं। और अब कर लेते हैं आज थोड़ा सा मेकअप, क्योंकि आज है हरियाली तीज, तो अच्छा भी लग रहा है। त्यौहार के टाइम में ना अच्छा ही लगता है, लेकिन मैं अकेली पड़ जाती। और मैंने पहना है ये ग्रीन वाला कुर्ता, तो आप बताना कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और कर लेते हैं आज थोड़ा सा मेकअप। तो पहले मैंने लगा ली है सनस्क्रीन, लगा ली है पहले मैंने, और उसके बाद मैंने एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है। उन दोनों को लगाने के बाद मैंने एक छोटा सा ड्रॉप लिया था बस, खाली उसका फाउंडेशन का, वो तो फाउंडेशन लगा लिया है मैंने। और उसको डैब डैब करके मतलब एक बिंदिया बिंदिया सी लगा लूँगी पूरे फेस के ऊपर। और हाथ से ही कर लिया है मैंने, हाथ से भी ना काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाता है। वैसे तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन आज त्यौहार का टाइम था तो अच्छा लगता है कभी कभी जब करते हैं। और इसके बाद अब मैंने लगा लिया है, जहाँ पर मुझे ज़्यादा पसीना आता है ना वहाँ पर मैंने फेस पाउडर लगा लिया है। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और उसके बाद लगाऊंगी अपनी बिंदी और सिंदूर, तो मेरा मेकअप हो जाएगा फाइनल। और आज मैंने कुछ ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं, तो आप बताना कि मैं कैसी लग रही थी, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए अगर देखते हैं व्लॉग तो। आइए देखिए ग्रीन चूड़ियाँ, और आज मैंने कानों में कुछ इस तरीके का पहना है। अभी बाल तो मेरे नहीं सूखे हैं, मैंने ऐसे ही कर लिया है, कंघी नहीं की है मैंने। और बेटे ने बना दी थी इतनी देर में चाय, क्योंकि मेरे गले में ना गाइस बहुत अभी भी दर्द है, तो चाय से ना मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है। वैसे दवाई तो मैं ले रही हूँ, और तुलसी डाल के चाय बनाई थी तो बहुत अच्छी चाय बनी थी। तो चलिए अब टाइम हो गया है खाना बनाने का दोपहर का, और आज दोपहर में ना मैं जो बनता है ना तीज वाले दिन वो नहीं बनाऊंगी, मैं शाम को बनाऊंगी क्योंकि इस टाइम पे हम दोनों हैं, फिर वो हस्बैंड ना रह जाते हैं, तो मैं रात को ही बनाऊंगी। और आटा मैंने निकाल लिया है, मैं बनाऊंगी पराठे, प्लेन पराठे बनाऊंगी क्योंकि सब्जी रखी हुई है। सुबह ना आलू मटर की सब्जी बनी थी तो वही रखी हुई है, तो इस वजह से ना मैं आलू सिंपल पराठे ही बनाऊंगी। तो पहले मैं आटा मार लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि सुबह का आटा नहीं बचा था। कभी कभी हो जाता है कि कभी दोपहर को भी मुझे आटा लगाना पड़ जाता है, तो पहले मैं आटा मार लेती हूँ, और उसके बाद मैं तुरंत की तुरंत ना रोटियां भी बना दूंगी, मतलब पराठे बना दूंगी, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया था, भूख भी लगने लगी थी। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ पर तीज वाले दिन क्या बनता है। हमारे यहाँ तो मीठे वो जो पूड़े होते हैं ना, गुलगुले भी बोलते हैं जिसे, वो बनते हैं, कचौड़ी बनती हैं, और मतलब आप जो चाहे मतलब मीठे में तो वही बन ही जाता है, और अगर आपकी मर्ज़ी है क्या बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, तो यही बनता है। तो मैंने शाम के लिए मतलब रात के लिए छोले भिगो करके रख दिए हैं पहले से ही। गांव में तो झूले डलते हैं, यहाँ पे ना कहीं पर झूले का साधन भी नहीं है, और अकेली मैं पड़ जाती हूँ ना तो मैं उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ कि मैं अकेली क्या करूँ, समझ ही नहीं आता है मुझे। तो बहुत सिंपल तरीके से त्यौहार चले जाते हैं, लेकिन जब इकट्ठे होकर के करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। दोपहर को खाना बनाने के बाद खाना खा लिया था मैंने, और उसके बाद अपनी वीडियो एडिट करी, और वीडियो एडिट करने के बाद मतलब तो सारा काम जितना भी होता है, उसका थंबनेल बनाना, टाइटल वगैरह लिखना जो होता है वो टाइम लग जाता है उसमें, वो किया मैंने। फिर और उसके बाद
उसके साथ मैंने दवाई ले ली थी, तभी खांसी की दवाई, और थोड़ा लेट गई थी और मुझे इतनी गहरी नींद आ गई और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, अब थोड़ा लेट ही उठ गई थी मैं। चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपने घर के काम, डिनर बनाने के, क्योंकि आज थोड़ा सा अलग बनाना है आज, क्योंकि तीज है, तो कुछ देखते हैं क्या कुछ अलग बनाऊंगी। छोले वगैरह तो मैंने भिगो रखे थे, तो देखती हूँ अभी क्या बनाऊंगी मैं। छोले के साथ पूड़ी बनाऊंगी, क्या बनेगा, चावल बनेंगे, क्या बनेंगे, चावल तो नहीं बनाऊंगी, पूड़ियाँ ही बनाऊंगी और कुछ मीठा बनाऊंगी। और ये इधर इतने ढेर सारे रखे हैं कपड़े, तो ये देखिए ढेर सारे कपड़े हैं जो मुझे दोपहर को ही फोल्ड करने थे लेकिन नहीं कर पाई मैं, तो मैं भी पहले सारा खाना बना लेती हूँ या फिर खाना बनाने के बीच बीच में आकर के कपड़े फोल्ड कर लूंगी। वैसे सारा किचन का काम हो रखा है, मतलब बर्तन वगैरह सारे धो रखे थे, लेकिन बस अब मुझे खाना ही बनाना है। और आंखों में ना मेरे पता नहीं क्यों जलन हो रही है। चलिए तैयारी कर लेती हूँ खाना बनाने की। एक बार मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और दूध वाला दूध दे गया था तो दूध गर्म कर दिया है, और अब कर लेती हूँ बाकी की तैयारी। मुझे रखने हैं छोले को बॉईल करने के लिए रखना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसे उबलने में। वैसे तो मैंने छोले ना धो कर के ही भिगोती हूँ मैं हमेशा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से धो लेती हूँ उनको अच्छे तरीके से। अगर कुछ रह जाता है, जैसे मिट्टी वगैरह लगी होती है ना, थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है, तो उसको मैं फिर से धो लेती हूँ। छन्नी में डाल लिया है और अच्छे से पानी जो चल रहा है ना उसमें धो लिया है कि नीचे निकल जाएगा जो भी होगा। और अब छोटे वाले कुकर में ही बॉयल कर लेती हूँ, बड़ा वाला ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, और मेरे ना हाथ में यही वाला कुकर जो है ना बैठा हुआ है। मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो ज़्यादातर इसी कुकर में बनाती हूँ, और हस्बैंड तो जब भी बनाते हैं ना उनको वो बड़ा वाला कुकर ही चाहिए होता है। तो छोले के अंदर मैंने जो खड़े मसाले हैं ना वो डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, नमक से ना थोड़ा जल्दी से छोले उबल जाते हैं। और छोले चढ़ा करके मैं आ गई हूँ, और कपड़ों को चलिए गाइस मैं बाहर ही कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में भी ध्यान दे लूँगी और यहाँ पर फ़ैन चल रहा था तो मैं फटाफट से कर भी लूँगी, क्योंकि अंदर से जाना पड़ेगा। फ़ैन तो वहाँ भी चला सकती हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता है मुझे अंदर अकेले, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, चिपचिपा जैसा हो रखा था, ह्यूमिडिटी जैसी, तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी ऐसी होने लग जाती है। तो मैंने बाहर एक कपड़े लेकर के आ गई थी और इनको कर लेती हूँ फोल्ड। और ये 2 दिन के कपड़े थे, क्योंकि आज के भी कपड़े थे, मतलब बुधवार के। ये ब्लॉग तो आपको अगले दिन मिलेगा, क्योंकि उस दिन मैं नहीं डाल पाई हूँ ब्लॉग, तो अगले दिन मिलेगा ये। और चलिए फटाफट से कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड, और बीच बीच में ना मैं चेक भी कर रही थी। और मैंने पहले ही ना हस्बैंड को फ़ोन करके पूछ लिया था कि छोले तुम बनाओगे या मैं बनाऊँ, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं बनाऊँगा आकर के, तो वो थोड़ा टाइम से ही आ जाएंगे। तो चलिए कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं और मैंने उनको रख भी दिया है। तो फिर काला ही डाल लो, ये वाला बन डालो, थोड़ा ही डालना, एक चम्मच डाला है मैंने वैसे, इसे यहाँ रख दो साइड में, इसे मत निकालो। पापा ने सारी चीज ट्राई कर लेते हैं, मुझे लग रहा है घर में जितने मसाले हैं ना सारे मसाले डाल दे, राई तो डालने है, राई भी डाल दे। पापा जिस दिन किचन में आ जाते हैं ना तूफान मचा देते हैं किचन में। तो मैं सोच रही हूँ एक साइड में छोले बनेंगे और एक साइड में मैं बना दूंगी पूड़ियाँ फटाफट, हैं, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज्यादा होती है। आज छोले बन रहे हैं घर में, करेंगे हम बैंड। ये लो ये बड़ी वाली डाल दो, खोल दे ये वाला खुलता ही नहीं है पापा से, धुली हुई तो सारी है। एक तरफ बन रहे हैं छोले और दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ, कि जिससे ना दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये बार बार बीच में आ रहे थे, कह रहे थे ला मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए हेल्प, क्योंकि जिस दिन ये किचन में काम करते हैं ना उस दिन तूफान मचा देते हैं किचन में। और
मुझे तो लगता है पूरी जितना भी घर में मसाले हैं ना वो सब डाल देंगे, और मुझे ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने छोले बना दिए थे और काफ़ी अच्छे छोले बने थे। और आटा ना मैंने पहले से ही मान के रख लिया था, क्योंकि जो पूड़ियों का आटा होता है ना थोड़ा सा मैं टाइट लगाती हूँ, जो नॉर्मल आटा होता है उससे थोड़ा टाइट ही लगता है। जब टाइट आटा लगाते हैं ना तो उसके अंदर तेल भी जो है ना वो कम जाता है, इस वजह से ही। और आटे के अंदर मैंने अजवाइन डाल ली थी जिससे ना अच्छा हो जाता है खाने के लिए। ये देखिएगा इस बार बार बीच में आते जा रहे थे तो मैंने उनको मना कर दिया कि मत करो, क्योंकि ऐसे ना फिर काम नहीं होता है जल्दी से और हाथ भी नहीं चलता है, क्योंकि इतना बड़ा किचन नहीं है कि इसमें दो तीन जने खड़े होकर के काम कर सकें। तो मैंने कहा मैं अकेली ही बना लूँगी। चलिए फटाफट से पहले ना कुछ पूड़ियों को बेल करके रख लेती हूँ, फिर जब 8 से 10 पूड़ियाँ बेल जाती हैं तब तक मेरा तेल गर्म भी हो जाएगा, और तेल गर्म जब हो जाएगा ना फिर उसके बाद जितनी पूड़ियाँ बेल रखी हैं उनको निकाल लूँगी। क्योंकि एक साथ पूड़ियाँ बेल करके अगर सारी रख लूँगी तो वो सूखना शुरू हो जाती है, क्योंकि फ़ैन चल रहा है इस टाइम पर। और चलिए तेल मेरा काफ़ी गर्म हो गया था, बनाने के हिसाब का हो गया था, तो अब निकाल लेती हूँ फटाफट से पूड़ियाँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है ना तो जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ निकल जाती हैं और एकदम फूली फूली बनती हैं। और जब टाइट आटा लगाती हूँ ना मैं तो तेल बिल्कुल भी नहीं रहता है पूड़ियों में। अगर पतला आटा करके लगाते हैं तो तेल भी जो हमारा जो है ना ज़्यादा वेस्ट होता है, और पूड़ियों के अंदर जो है ना तेल ज़्यादा आ जाता है, भर जाता है एक तरीके से। तो इसीलिए वजह से ना मैं आटा जो है टाइट लगाती हूँ। और आटा लगाने के बाद फिर जब मैंने उसको रख दिया था उसके बाद भी उसको थोड़ा सा मल लिया था जिससे थोड़ा सा अच्छा हो गया था वो। गाइस खाना बना लिया है, ये इधर सारी पूड़ी बन चुकी हैं, इधर पूड़ियाँ बन गई हैं और छोले बन के भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए छोले भी बन गए हैं और पूरा किचन मैंने कर दिया है क्लीन, और डस्ट भी धो करके यहाँ सुखा दिया है, रात भर में सूख जाएगा। किचन पूरा क्लीन कर दिया है और यहाँ धो दिए हैं बर्तन सारे, और अभी खाना नहीं खाया है कि खाना खाने से पहले ही मैंने बर्तन सारे धो दिए हैं। बाकी जो बर्तन होंगे मैं उसके बाद धो दूंगी, और आज थोड़ा सा लेट ही हो गया खाना खाने में। और इधर लग गया है हमारा बिस्तर, कुछ इस तरीके से लगता है रात को। आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।